कोई किसी जगह पर अगर कोई दो आदमी बात कर रहे हैं तो क्या कोई तीसरा आदमी उस दो आदमी के दरमियान जाके मतलब बगैर इजाजत के घुस सकता है देखिए अगर वो पसंद नहीं करते हैं कि आप उनके दरम्यान दखल अंदाजी करें तो ये गुफ्तगु के आदाब में से है कि दो आदमी बात कर रहे हैं तो सलीका ये है कि आप तो दरम्यान में दखल अंदाजी मत करें या हो सकता है वो दो आदमी कुछ पर्सनल ऐसी बातें कर रहे हों जो आपको नहीं सुनाना चाहते हों तो गुफ्तु करने का एक दूसरे से मिलने का ये अदब है ये सलीका है कि आप इजाजत लेकर के तब उनके पास जाइए हो सकता है वो ना चाहते हो कि आपकी बात कोई सुने तो आ, जो है आप इजाजत देके उनके पास जाइए और इजाजत लोग ले लेके उनकी गुफ्तु में शरीक होइए जी ठीक है तो ये, तो ये, तो ये मतलब सिर्फ तो ये अदब में से हरम नहीं है ना जी मतलब इजाजत लेना में से है ना हराम तो नहीं है पूछ रहे हो। नहीं अगर अगर वो नहीं पसंद करते हैं तो हराम है अगर आप उनकी गुफ्तगु हो सकता है कोई राज की बात कर रहे हैं आप तजस की नीयत से जा रहे हैं तो ये हराम है अगर आप तजस की नीयत से जा रहे हैं तो हराम है लेकिन देखिए गुफ्तु एक तो होती है सराहत के साथ जबान से इंसान इजाजत दे दे कि आप आइए शरीक हो जाइए एक गुफ्तगु उर्फी होती है हम जैसे हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं कहीं बात कर रहे हैं तो दोस्त अहबाब पहले से इजाजत होती है हमें मालूम है कि इनको कोई एतराज नहीं है हमारे यहाँ आने पर तो उर्फन इजाजत होती है तो वहां आप जा सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे जाने से इनको अच्छा नहीं लगता कोई पर्सनल बात कर रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में इजाजत देना जरूरी है